Hello guys, welcome to my channel Gupta Coaching Center. Here I am Nisha Gupta from GCC. तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का पार्ट टू, जिसमें हम करेंगे आज का टॉपिक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को AP कहा जाता है. अब बात आती है AP क्या होता है. अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड इट्स प्रोसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट इज कॉल्ड अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. इस चीज़ को मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताने लगी हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है tn-1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. देखो मेरे पास एग्जांपल है, टू फोर सिक्स एट टेन. मैंने ये एग्जांपल ली है 2, 4, 6, 8, 10. तो इसमें देखो मेरे पास क्या है, फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 2. फर्स्ट नंबर मेरे पास है 2. क्लियर. अब हमने क्या बोला है इस डेफिनेशन में, डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम. तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 2 है, अभी हमने ये सेकेंड नंबर उठाया है 4. 4 मेरे पास नंबर है, 4 में से मैंने प्रीसीडिंग नंबर लिया 2, उसका डिफरेंस निकाला तो वो कितना आ गया 2. नेक्स्ट अब हमारे पास है 6 नंबर है, 6 में से मैं 4 को प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करती हूँ, उसका डिफरेंस लेते हैं तो वो भी कितना आ गया 2. अगेन नेक्स्ट हम नंबर लेके जा रहे हैं 8, 8 में से 6 गए, वो भी कितना आ गया 2. 10-8 इक्वल्स टू 2. क्लियर. तो इसका मतलब है प्रीसीडिंग नंबर में जो भी नंबर हम लेते हैं उसका डिफरेंस जो है प्रीसीडिंग नंबर के साथ वो क्या है, सबके साथ सेम आ रहा है, 2 आ रहा है. तो ये कॉन्स्टेंट नंबर है. और जब सेम डिफरेंस आता है, इस सेम डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, क्लियर. ये हमारे पास है कॉमन डिफरेंस. इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी के साथ. क्लियर. उसके बाद है, जैसे मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है tn-1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. उसके लिए भी एक एग्जांपल मैं लेके आपको बताने लगी हूँ. फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास नंबर है t1, t2, t3, सो ऑन tn, tn+1, और tn से भी फोर्थ नंबर कौन सा है, tn-1. ओके. तो अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म तो t1 है, सेकेंड टर्म कौन सी है, t2 है. तो क्या लिखेंगे, t2-t1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. क्लियर. फिर थर्ड टर्म है t3-t2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अगेन t4-t3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. सो ऑन ऐसे करते जाएंगे तो क्या आएगा, tn+1-tn इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. क्लियर. तो ये टर्म मैंने बताई है कि ये देखो कॉन्स्टेंट आ रहा है, सबका डिफरेंस जो है कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्लियर. अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में ही है हमारे पास जनरल टर्म. जनरल टर्म जिसको बोला जाता है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और ये जो जनरल टर्म है tn=a+n-1 × d, ये फार्मूला कैसे डिराइव किया, अब मैं आपको इस फार्मूले को डिराइव करके बताती हूँ ये हमारे पास कैसे आया. जैसे मैंने लिया था t1, t2, t3, so on. यहाँ पर हमारे पास लास्ट में टर्म है tn, n टाइम्स तक चलते हैं tn+1. ओके. अब उसके बाद है हमारे पास जैसे देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है t1=a. क्लियर. तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आएगी, t2 का मतलब जो हमने नंबर लिया उसका हम डिफरेंस प्रीसीडिंग नंबर से देते हैं, t2-t1=d. d का मतलब कॉमन डिफरेंस. ओके.
तो हमारे पास क्या आ गया, टी टू इक्वल्स टू टी वन माइनस का था राइट साइड पे ले गए प्लस हो गया प्लस डी। अब टी वन की वैल्यू क्या थी, ए प्लस डी, तो मेरे पास टी टू कितना आ गया, ए प्लस डी। अगेन अब हम करते हैं टी थ्री माइनस टी टू इक्वल्स टू फिर डी, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, टी थ्री देखो क्या आएगा, टी टू प्लस डी। अब टी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाली है ए, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू ए प्लस डी की, ए प्लस डी प्लस डी, तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस टू डी। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि जब हमने टी टू निकाला तो उसकी वैल्यू है ए प्लस डी, टी थ्री निकाला ए प्लस टू डी। कहने का मतलब है कि जो नंबर हम निकाल रहे हैं उसमें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस एक नंबर माइनस इंटू कॉमन डिफरेंस। क्लियर, तो इस वे के साथ हमारे पास जो nth टर्म है, nth टर्म क्या है, tn, तो tn हमारे पास फिर क्या आएगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये आंसर आ गया nth टर्म, जिसको जनरल टर्म भी बोला जाता है। क्लियर, सो आज की वीडियो में मैंने आपको जनरल टर्म और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता दिया है, फर्स्ट नंबर क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।